नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा और हरियाणा टुडे के साथ मैं हूं दीप कमल। हरियाणा टुडे में आज आपको दिखाएंगे कि कैबिनेट के फैसलों से किसको राहत मिली है और किसको लगा है झटका। साथ ही हरियाणा टुडे में दिखाएंगे कि कहां सम्मान के लिए ली गई है बेटी की जान और कहां एएसआई की खुदकुशी ने सवाल खड़े किए हैं। साथ ही हरियाणा टुडे में इस बात पर भी चर्चा होगी कि एक पति ने क्यों अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। हरियाणा के कौन से निर्मल गांव बदहाल है, इस पर भी चर्चा होगी। और जुलाना के मुसाफिरों को पिछले 15 सालों से किस बात का है इंतजार, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये एक खास खबर भी दिखाएंगे कि कहां शराब के नशे में झूम रही हैं फसलें। हरियाणा टुडे में ये सब आज। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में फैसला लिया गया है कि बिजली निगमों का आधा कर्ज राज्य सरकार चुकाएगी, यानी अब 16,000 करोड़ रुपए के कर्ज में से 8,000 करोड़ रुपए सरकार अदा करेगी। साथ ही 6 लाख रुपए तक की गाड़ियों पर 3% टैक्स लगाने का निर्णय भी लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना को मंजूरी देने के अलावा कई और फैसले लिए गए हैं। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बैठक हुई है। कई अहम फैसले हैं। दो नई बीमा योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें आम आदमी बीमा योजना और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना शामिल है। और मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इन योजनाओं से आम लोगों और गरीब तबकों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, जिसमें दोपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है। 20,000 रुपए तक की कीमत वाले दोपहिया वाहनों पर शुल्क में कोई बदलाव नहीं है, जबकि 20,000 से 60,000 रुपए तक कीमत वाले दोपहिया वाहनों को अब 4% टैक्स की अदायगी करनी होगी। रोड टैक्स में बढ़ावा किया गया है। 20,000 से 60,000 रुपए तक के दोपहिया वाहनों पर अब 4% रोड टैक्स लगेगा और 60,000 से 2 लाख रुपए कीमत तक के दोपहिया वाहनों पर अब 8% का भुगतान करना होगा। ये पहले 6% था। और गाड़ी चलाने वाले लोगों पर भी अब महंगाई का असर होगा। 6 लाख रुपए तक की कीमत की गाड़ियों पर अब रोड टैक्स 3% हो जाएगा। 6 लाख रुपए तक की गाड़ियों पर 3% रोड टैक्स होगा और 6 से 10 लाख रुपए कीमत वाली गाड़ियों पर 6%, 10 लाख से ऊपर और 20 लाख रुपए तक की कीमत वाली गाड़ियों पर रोड टैक्स अब 8% रहेगा और 20 लाख से ऊपर कीमत की गाड़ियों पर रोड टैक्स लगेगा 9% की दर से। तो दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स में बढ़ोतरी की गई है। सिर्फ 20,000 रुपए तक कीमत वाले दोपहिया वाहनों को छोड़ा गया है, बाकी सभी पर रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा एक दूसरा फैसला आज हरियाणा सरकार ने लिया है, कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है, वो बीड़ी पर 5% की दर से वैट लगाया जाएगा, यानी धूम्रपान अब हरियाणा में महंगा हो जाएगा। और इसके अलावा एक बड़ा फैसला, प्रदेश की बिजली वितरण निगमों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश के बिजली वितरण निगमों पर 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और मंत्रिमंडल ने अब फैसला लिया है कि इसमें से आधा कर्ज अब सरकार अपने ऊपर ले लेगी, यानी 8,000 करोड़ रुपए अब सरकार कर्ज अदा करेगी बिजली वितरण कंपनियों का। तो प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में बैठक हुई है। दो नई बीमा योजनाएं हरियाणा में शुरू की गई है और आम लोगों से जुड़ी बड़ी खबर ये कि दोपहिया और चार पहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए चंडीगढ़ से A1 ब्यूरो चीफ आदित्य चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। आदित्य, कैबिनेट की बैठक में फैसले तो कई हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका लोगों से सरोकार है वो रोड टैक्स में बढ़ोतरी है। जिस तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते रहे हैं कि बजट तो साफ सुथरा पेश कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाकर
टैक्स आम लोगों पर डाल दिए जाते हैं, इसी दिशा में एक कदम नजर आता है आज की कैबिनेट की बैठक। बिल्कुल आपने सही कहा दीप कमल, हमेशा जब भी बजट आता है तो इस तरह का होता है वो, जिसमें ये लगे कि आम लोगों पर बोझ नहीं है, सिर्फ मीठी मीठी बातों का बजट होता है। पर विपक्ष ये आरोप लगातार लगाता है कि जब बजट आ जाएगा उसके बाद जब कैबिनेट बैठक होगी तब टैक्स का बोझ पड़ना शुरू होगा। ये पहला झटका है रोड टैक्स में बढ़ोतरी, और दूसरा झटका आने वाले एक या दो दिन में लग जाएगा जब बिजली की कीमतें हरियाणा में बढ़ेंगी। तो विपक्ष के आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आती है, और ये दिखता है कि भले ही आप बजट में आम लोगों को राहतें दें, आम लोगों को टैक्स से बचा लें, पर जब आने वाले दिन होते हैं तो आपको कड़वे जो फैसले होते हैं वो लेने पड़ते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आज का फैसला है कैबिनेट का रोड टैक्स में बढ़ोतरी का, एक कड़वा फैसला है और इसको लिया है सरकार ने, जिसका बोझ आम आदमी पर जरूर पड़ेगा। कहना चाहेंगे कि जो दो नई योजनाएं शुरू की गई हैं, जन कल्याण की प्रदर्शनी विवाह शगुन योजना और आम आदमी बीमा योजना, इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा? देखिए दोनों योजनाएं जो हैं वो, आम आदमी बीमा योजना तो आम लोगों के लिए है, जब आप एक्सीडेंट हो या डेथ हो उसमें सरकार की तरफ से मदद मिलती है, लेकिन जो प्रियदर्शनी शगुन योजना है इंदिरा गांधी के नाम पर, वो बीपीएल परिवारों के लिए है। 1 अप्रैल 2013 से ही शुरू होगी और एक तरह से एक वोट बैंक को ध्यान में रखकर ये योजना बनाई गई है, ताकि आने वाला जो समय है चुनाव का, चुनावी साल है ये, उसमें आपको फायदा मिल सके। तो बीपीएल परिवारों को लगातार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार है उसने तोहफे दिए हैं, कई बार प्लॉट जो 100-100 गज के हैं वो दिए गए, पानी की टंकियां दी गई, पानी के कनेक्शन दिए गए, मुफ्त पानी उनको मिलता है। इसके अलावा इस साल में 2013 का जो साल है उसमें उनके लिए छत उपलब्ध कराने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, और ये दावा किया है कि लगभग 2 से 3 लाख घर बनाकर गरीबों को दिए जाएंगे। साथ ही ये योजना जो आज जिसको मंजूरी दी है कैबिनेट ने, वो भी सीधे सीधे जो गरीब लोग हैं उनको फायदा देने के लिए है, ताकि विवाह के समय उनको दिक्कत ना आए और एक मुश्त राशि उनको दी जा सके सरकार की तरफ से। जी आदित्य, इसके अलावा बिजली वितरण निगमों का जो कर्ज है वो अब सरकार अपने सिर पर लेने जा रही है। 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज इन निगमों पर हो कैसे गया और इस फैसले के मायने क्या हैं? क्या 8,000 करोड़ रुपए सरकार सीधे सीधे अपने खाते से लेगी या फिर उसका प्रबंध कहीं और से कर्ज उठाकर हरियाणा सरकार करेगी? बिल्कुल, देखिए सही सवाल है ये। हरियाणा सरकार के पास पैसा इस तरह नहीं है कि वो अपने खजाने से 8,000 करोड़ की मदद कर दे। बिजली जो वितरण निगम है, दो निगम हैं दीप, आप जानते हैं, DHBVN है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और UHBVN है जो उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम है। दोनों पर लगभग 16,000 करोड़ का कर्ज है। इसके अलावा 5 से 6 हज़ार करोड़ की लोगों की देनदारियाँ हैं, यानी लोगों के पास बिल पेंडिंग है जो नहीं दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा भी 7 या 8 हज़ार करोड़ के और घाटा आपके पास है, यानी आप लगभग 30 से 32 हज़ार करोड़ के घाटे में जो निगम है वो चल रहे हैं, जिसमें ब्याज जो है वो हजारों करोड़ का, सैकड़ों करोड़ का ब्याज सालाना आपको पड़ता है। तो एक राहत सरकार ने दी है, जो सीधे तौर पर वित्तीय संस्थाओं से ब्याज पर पैसा लिया गया है निगमों ने, उसमें से 8,000 करोड़ का की जो देनदारी होगी वो सरकार देगी, यानी निगम जो है वो 16,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ देंगे और 8,000 करोड़ का की उपलब्धता सरकार के द्वारा की जाएगी। सरकार ने निगमों को ये बोल दिया है कि आप अगर और लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं, आपकी तरफ से गारंटी जो है वो सरकार देगी। निगमों की हालात इस समय इतनी खराब है कि उनको ब्याज पर पैसा नहीं दिया जा रहा है, कोई भी कंपनी कोई भी बैंक उनको ब्याज पर पैसा नहीं देना चाहता है, इसीलिए सरकार आगे आई है। सरकार ने यह कहा है कि 8,000 करोड़ वो देगी, साथ ही अगर निगम लोन लेना चाहें तो उसके लिए गारंटी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। जी आदित्य, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप जिक्र कर रहे थे कि बिजली की दरें हरियाणा में बढ़ सकती हैं, उस बारे में क्या खबर है? क्या आम घरेलू जो उपभोक्ता हैं उनके लिए और औद्योगिक जो कनेक्शन होते हैं, क्या सभी पर बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी हो रही है? बिल्कुल, देखिए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, एक आयोग है, नियामक आयोग, जो हर साल बिजली की दरें निर्धारित करता है। जो बिजली के निगम हैं दोनों उसको सिफारिश करते हैं, ये दिखाते हैं कि वो घाटे में हैं, आप बिजली के बिलों में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो उसको देखते हुए हर साल 30-31 मार्च के आसपास जो HERC है वो बिजली की कीमतें तय करता है। और हरियाणा में अगले 1 या 2 दिन में बिजली की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जो बिजली निगम है उन्होंने सिफारिश की थी कि 60 से 65 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे सूत्र जो HERC में हैं उनके मुताबिक 45 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी हो सकती है प्रति यूनिट में। ये घरेलू उपभोक्ताओं पर भी लागू होगी, जो कृषि उपभोक्ता हैं उन पर भी लागू होगी, और जो इंडस्ट्रियल उपभोक्ता हैं उन पर भी, इंडस्ट्रियल लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है पैसा। तो ये अगले 1 या 2 दिन में लागू कर दिया जाएगा, और HERC ने साफ किया है कि वो कीमतें बढ़ाने जा रहा है। हालांकि जो बिजली मंत्री हैं अजय सिंह यादव, उनसे हमने
जब इस बारे में पूछा तो उनका यह कहना था कि अभी सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं है बिजली की कीमतें बढ़ाने की, लेकिन यह तय है बिल्कुल कि हरियाणा के लोगों को 1 अप्रैल 2013 से नई कीमतों पर बिजली खरीदनी होगी, और यह भी हो सकता है कि उनको पिछली बैक डेट से जो बिजली के बिल आए उनमें भी कीमत बढ़ी हुई मिले। जी बिल्कुल, काफी दबाव है प्रदेश सरकार पर बिजली कंपनियों का घाटा कम करने और उनके कर्ज को निपटाने का, इसलिए उसको अपने सिर पर ले रही है सरकार, और अब लोगों पर भी बढ़ी हुई दरें थोपने की तैयारी चल रही है। आदित्य, आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि सरकार के प्रधान सचिव छतर सिंह रिटायर होने जा रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आज की बैठक में उस पर भी नए प्रधान सचिव का फैसला हो सकता है, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब और क्या फैसला लें ये अप्रत्याशित होता है। हरियाणा में इस बात की चर्चाएं थी कि 31 तारीख को वो रिटायर होंगे और 1 तारीख को यानी 1 अप्रैल को हरियाणा को जो मुख्यमंत्री सचिवालय है उसमें नया प्रधान सचिव मिलेगा, लेकिन जो कयास थे, जो चर्चाएं थी, उन सबको मुख्यमंत्री ने एक तरह से नकारा है, और जो वर्तमान प्रधान सचिव हैं छतर सिंह, उन्हीं को अगले 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी है। कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगले 3 महीने के लिए 30 जून तक छतर सिंह ही प्रधान सचिव बने रहेंगे और वो काम करते रहेंगे। हालांकि अफसरशाही में इस बात को लेकर गुस्सा है और रोष है कि जो केंद्रीय रूल होते हैं IAS कैडर के, उनमें एक्सटेंशन नहीं मिल सकती है, आप एक ही पद पर दोबारा जो नियुक्ति है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से या सचिव मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि कुछ काम ऐसे हैं जो छतर सिंह की देखरेख में हो रहे हैं, उनको पूरा होने में अभी 3 महीने लग सकते हैं, 3 से 4 महीने, तो इसी वजह से उनको एक्सटेंशन दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो चर्चाएं थी 4 या 5 नामों की, वो फिर ठंडे बस्ते में चली गई हैं। अब ये चर्चाएं फिर 30 जून जब आएगी, जब डेट नजदीक होगी इनकी रिटायरमेंट की, 3 महीने की का समय पूरा हो जाएगा, तब फिर ये चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। लेकिन जी आदित्य आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं और बिजली रेगुलेटरी जो कमीशन है सरकार का, उससे भी जुड़े रहे हैं। संपत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा पर। बिजली कंपनियों की हालत सुधारने के लिए सरकार अब कुछ सचेत नजर आ रही है, कर्जा अपने ऊपर ले रही है, 16,000 करोड़ में से 8,000 करोड़ अब हरियाणा सरकार उसका देखेगी कैसे निपटाना है उसको, और लोगों पर बिजली के बिल भी उनके जो बढ़ाने की दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है, क्यों इतनी खराब हालत हो गई है बिजली निगमों की? संपत सिंह जी, बिजली निगमों की आज की बात नहीं जी, पुरानी होती रही है, और होते होते काफी 29,000 करोड़ का तो लोन है और बाकी लायबिलिटीज वगैरह मिला के बहुत बड़ी अमाउंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीछे प्लानिंग कुछ बनाई थी कि जो भी स्टेट अगर कुछ लायबिलिटी लेती है, शेयर करती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोनिंग एजेंसी जो आपके हेल्प करने के लिए तैयार है। इसके लिए सिर्फ हिंदुस्तान की 5 स्टेटें तैयार हुई है, जिसमें हरियाणा भी तैयार है जी। तो इसलिए उसके लिए जो है ना गारंटी देने की बात आज कैबिनेट ने अप्रूव की है, वो की है, और जो खराब हुई है वो तो इसलिए हुई है कि काफी लोगों ने बिल नहीं चुकाए थे, पहले लोसेज ज्यादा होते थे, अब लोसेज पर कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है कि 25% से जिस गाँव में लोस कम होंगे जी, तो उस गांव के अंदर जो है बिजली की अर्बन सप्लाई दे देंगे, मतलब जो शहर में सप्लाई मिलती है वो हो जाएगी, और बाकी गांव के अंदर 11 घंटे रहेगी, जैसे आम सब गांव में आजकल 11 घंटे घरेलू बिजली रहती है जी। इससे बड़ा सुधार आता है, और सबसे ये पहला सुधारीकरण शुरू हुआ है मेरे हल्के से, 2 गांव का अभी सारा सिस्टम ने सुधारा है, ट्रांसफॉर्मर नए लगाए हैं, बिजली के तार नए, खंबे नए, सब कुछ सारा सिस्टम बदल दिया, और उससे जो है ना बल्कि पुराने ट्रांसफॉर्मर जितने लगे उसमें 1 ट्रांसफॉर्मर कम लगा है, इसका मतलब है कि बिजली की बचत होगी और वो पैसा जो है ना अपने आप रिकूप हो जाएगा। तो ये उसका 6 तारीख को हम उद्घाटन कर रहे हैं, और यहाँ से हमने कुछ और जिलों के लोगों को भी बुलाया है। क्या जी संपत सिंह जी, जी संपत सिंह जी, हम चाहेंगे कि हरियाणा के दर्शकों को आप उस योजना के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि जो गाँव के सरपंच अगर सुन रहे हों या आम लोग सुन रहे हों कि गाँव में अगर 25% से कम लॉस होगा तो उनको शहर वाली बिजली दे दी जाएगी, ऐसी योजना संपत सिंह जी? तो इस पर कि अभी जो लॉस आ रहा है ना गाँव के अंदर, चाहे वो लोग थेफ्ट कर रहे हैं, मतलब कहने का कि बिना कनेक्शन के कुंडी लगा रखी है जी, और चाहे वो बिजली के बिल नहीं भर रहे हैं या डिफॉल्टर हो चुके हैं, उन गाँव के अंदर जैसे अब तो हरियाणा में सभी गाँव के अंदर घरेलू बिजली जो है गाँव में 11 घंटे मिलती है, और ज्यादातर रात को मिलती है, सुबह या शाम या रात को मिलती है, दिन में कम मिल पाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी गांव है जहाँ लॉसेज वो अपने घटाकर 25% तक ले आएंगे,
उन गांव के अंदर बिजली शहरी बिजली मिलेगी। शहरी बिजली का मतलब है कि जब कोई पीछे से चली जाए घंटा आध घंटा की दूसरी बात है, वरना लगभग 24 घंटे बिजली रहेगी। इससे क्या होगा कि बिजली महकमों को फायदा होगा, रेवेन्यू पूरा आएगा और गांव को ही फायदा होगा कि 24 घंटे बिजली मिल जाएगी। और मैं ईमानदार उपभोक्ताओं से अपील करता हूं कि जो भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और अगर कर्मचारी जाते हैं बेईमान को पकड़ने के लिए, तो उन ईमानदारों का फर्ज बनता है कि वो भी मदद करें और सभी गाँव में अपने अपने गाँव में सुधारीकरण जो है करवाए और बाकायदा कारपोरेशन को अप्लाई करे कि हम अपने गांव में सुधारीकरण चाहते हैं, क्योंकि उसमें लाइनें जब बदली जाएंगी तो एक तो बिजली की क्वालिटी अच्छी रहेगी। आज जैसे बार बार ड्रिपिंग वगैरह होती रहती है, बार बार बिजली जाती रहती है, धीमी धीमी हो जाती है, न बच्चे पढ़ पाते हैं, न कोई और काम कर पाते हैं, सारा मशीनी का काम चल रहा है वो भी सारा बंद हो जाता है जी। तो बहुत बड़ा लॉस होता है लोगों को। जी बिल्कुल संपत सिंह जी, जी संपत सिंह जी बिल्कुल, बिजली तो मूलभूत जरूरत बन गई है, सारे उपकरण बिजली से चलते हैं, सारे काम बिजली पर ही आधारित हो गए हैं आज के दिन तो। लेकिन बिजली की दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का काम आप देख रहे हैं, जब से दूसरी बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम संभाला है, आपके कमीशन की तरफ से क्या सिफारिश है और क्यों ऐसी नौबत आ गई है कि बिजली की दरें बढ़ाने जा रही है सरकार? नहीं ऐसा है, रेगुलेटरी कमीशन, मैं ये कहता हूँ कि रेगुलेटरी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो भी एतराज करते हैं वो राजनीतिक तौर पर एतराज करते हैं। जैसे मैं, मुझे बहुत ही अटपटा लग रहा है कि एक आईआरएस सर्विस करके और आदमी अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, जैसे वो केजरीवाल है और दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं, तो उनको ये अक्ल नहीं है कि जब रेगुलेटरी कमीशन ने ऑब्जेक्शन मांगे थे उस टाइम ऑब्जेक्शन फाइल करते। हर रेगुलेटरी कमीशन ऑब्जेक्शन मांगता है, सजेशन मांगता है, आपके कॉमेंट्स मांगता है और बाकायदा आपको पेशी के टाइम देते हैं, तब आप अपनी तर्क रखिए कि क्यों नहीं बढ़ने चाहिए, तो नहीं बढ़ेंगे। मैं संपत सिंह ने भी 2008 में 6 घंटे जो है बिजली कमीशन के सामने में बोला था, रेगुलेटरी कमीशन के सामने लगातार 6 घंटे मैंने बहस की थी और वो प्रोग्राम उनका वहीं रुक गया था। तीसरे दलीलें दे, आदमी को काम करना चाहता नहीं, राजनीतिक फायदे उठाने चाहते हैं। इसी तरह राजनीतिक पार्टियां हैं, जब भी कोई बढ़ेगा रेगुलेटरी कमीशन का काम रहेगा, अब सरकार का काम रहेगा बिजली बढ़ाने का बिल का रेट। अगर वो चाहते हैं सही मायने में तेजी है तो उसको स्टडी करें, और जब वो महीना आता है, क्योंकि नवंबर के महीने में ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं ये और दिसंबर के महीने तक 1 महीना देते हैं पूरा टाइम जी, और उसके बाद तारीख देते हैं ये लोग, फरवरी से पहले पहले निपटारा करते हैं अगले साल के लिए। तो संपत सिंह जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो विपक्षी दलों के नुमाइंदे हैं वो वक्त पर अपनी राय देते नहीं क्योंकि उनके पास कोई वाजिब तर्क उसके लिए नहीं होता, और बाद में उस मुद्दे पर जब फैसला लेना पड़ता है सरकार को तो राजनीति की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया संपत सिंह जी इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस विधायक संपत सिंह हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि बिजली कंपनियों पर भारी कर्ज है क्योंकि लोग बिल नहीं भर रहे हैं, कंपनियों की हालत वैसे ही खस्ता है और अब सरकार को देर सवेर कड़े कदम इस दिशा में उठाने पड़ रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई है, कई अहम फैसले हुए हैं और बिजली वितरण निगमों का जो 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज है उसमें से आधा कर्ज अब प्रदेश सरकार अपने जिम्मे ले लेगी, उसकी गारंटी केंद्र सरकार को देगी 8,000 करोड़ रुपए की। इसके अलावा गाड़ियों, चार पहिया वाहनों और दोपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एक और फैसला आज लिया गया है, वो हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड नाम से एक नई संस्था बनाने का भी एक फैसला है और इसके पीछे मकसद यह है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी का उपयोग जो है वो हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा हो, खासतौर पर साक्षरता से जुड़े मामलों पर में आईटी यानी कंप्यूटर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापित किया जाएगा अब हरियाणा में, तो उसके बराबर गैप से ज्यादा मिल जाएगी। आपके पास जितने डॉक्यूमेंट होते हैं तो ये तो थे कैबिनेट के फैसले, और अब हरियाणा टुडे में बात करेंगे कि कहां सम्मान के लिए एक बार फिर जान ले ली गई है।
लोहारू क्षेत्र के सेरला गांव में ऑनर किलिंग यानी सम्मान या इज्जत के लिए जान लेने का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक शख्स ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और आनन फानन में उसका दाह संस्कार भी कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पहले किया प्यार का विरोध, फिर किया शादी का विरोध, जब कामयाब नहीं हुए मोहब्बत के दुश्मन तो ले ली बेटी की जान। वो उससे करती थी बेपनाह मोहब्बत, वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, लेकिन उसका प्यार उसके घर वालों की आंखों में खटकने लगा। आरोप है कि लड़की के घर वालों ने पहले तो शादी का विरोध किया, लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो रच डाली अपनी ही लाडली की हत्या की साजिश। इतनी अच्छी बेटी थी वो, यहाँ हमारे घर आती थी, हमने किसी को पता नहीं चलने दिया कि भाई उसके पिताजी को पता चल जाए रजामंद कर लेंगे। लड़की बोलती थी मैं मना लूंगी मेरे पिताजी को, मना लूंगी। किस तरह का धमकी खतरा है? अभी उसी से खतरा है जी, उसके पास हथियार थे, वो हो सकता है वो जमा हो गए हों, लेकिन यहाँ मारने के लिए दूसरे को भेज दें, भी पैसे वाला है वो, पैसे ज्यादा है उसके पास। दरअसल सेरला गांव की शशि और खापड़वास गांव का गौतम हिसार के एक कॉलेज में पढ़ते थे। यहीं दोनों का प्यार परवान चढ़ा और 28 जनवरी 2013 को दोनों ने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, लेकिन लड़की के पिता को यह शादी मंजूर ना थी। आरोप है कि एक दिन पहले शशि का पिता सतपाल उसको घर ले गया, लेकिन एक दिन बाद ही सतपाल ने ससुराल वालों को जानकारी दी कि शशि की करंट लगने से मौत हो गई है। क्योंकि उसकी जो शादी थी वो जो लड़की का फादर था वो उसके लिए खुश नहीं था, तो उसके बाद उसकी स्टेटमेंट पे हमने केस रजिस्टर किया और उसके जो लड़की के फादर को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद उसको उससे पूछताछ करी तो उसने एडमिट किया है कि उसको उसका मर्डर किया है, उसको मारा था उसने। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी सतपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि झूठी शान और सम्मान के नाम पर प्रदेश में अपनों की जान लेने का सिलसिला जारी है। एवं तहलका हरियाणा के लिए लोहारू से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। तो लोहारू के सेरला गांव का यह मामला है जहां पर आरोप है कि एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी, प्रेम विवाह किया था। लोहारू से एवं संवाददाता सुनील शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, ये तो साफ हो गया है कि विवाह के लिए परिवार वाले राजी नहीं थे, आर्य समाज मंदिर में शादी की गई है और ठीक 2 महीने बाद 28 जनवरी को शादी होती है और ठीक 2 महीने बाद घर बुलाकर क्या उस बच्ची को, इस युवती को सहमति से घर बुलाया गया था ये कहकर कि हाँ हम राजी हैं आपकी शादी के लिए, या जबरदस्ती लाया गया था इसके पति के पास से? जी जी कुमार, मैं बताना चाहूंगा, लड़की शादी के बाद अपने पति के यहाँ भी रही है 2-4 दिन, फिर बाद में पढ़ाई के लिए हिसार भी जाती रही है और बाद में उसके लड़की के फादर को इस बात के पता चलने पर कि लड़की ने शादी कर ली है तो वो चकमा देने के हिसाब से अपने लड़की के ससुराल वालों के यहाँ गया और ये कहने के लिए कि सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार मैं दोबारा से अच्छे तरीके से शादी करेंगे, बारात लेकर आना, उस हिसाब से ऐसे चकमा दे करके लड़की को राजी करके अपने घर ले गया तो और उसके अगले दिन ही ये हादसा हो जाता है। तो ऐसे शादी करना। जी सुनील, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आम तौर पर ऐसे मामलों में विवाह के बाद ऐसा भी देखा जाता है कि परिवारों के लोग जो हैं वो राजी हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं उस शादी को, इस मामले में ऐसा क्या एतराज था, इतना बड़ा एतराज क्यों था? क्या ये अंतरजातीय या गोत्र का मामला या कोई ऐसी बड़ी सामाजिक अड़चन थी कि इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाए ये लोग, या फिर सिर्फ इस जिद में कि उन्होंने प्रेम विवाह क्यों कर लिया ये हत्या कर डाली? ना ही तो इसमें कोई गोत्र विवाद का प्रकरण था और ना ही कोई जातिगत इंटरकास्ट मैरिज थी ये, लेकिन ये जो लड़की है
उस लड़की के परिवार की ही चचेरी बहनें भी इस लड़के के परिवार के अंदर पहले से जाई हुई हैं, शादी हो चुकी है उनकी भी, लेकिन लड़की के पिता को बस शादी गवारा नहीं थी कि लड़की से मेरी मर्जी से ही शादी करे कहीं करे, तो बाकी वो ये नहीं चाहते थे कि उनकी लड़की अपनी मर्जी से शादी करे। जी जी कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील शर्मा लोहारू से वन संवाददाता बता रहे थे कि कोई ऐसी सामाजिक अड़चन नहीं थी जिनका आमतौर पर हवाला दिया जाता है कि अंतरजातीय विवाह या गोत्र विवाद से जुड़े मामलों में शादियों को स्वीकार नहीं करते हैं हरियाणा के लोग। ऐसी कोई अड़चन नहीं थी। सीधे सीधे एक ये सोच पर सवाल खड़े करता है कि क्या सिर्फ इस वजह से कि अपनी पसंद के युवक से शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया, सिर्फ इस वजह से एक पिता ने अपनी बेटी की जान ले ली। हरियाणा टुडे में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हरियाणा पुलिस के एक एएसआई की आत्महत्या का मामला और उससे जुड़े सवाल।